वेल गाइस, जो हमारे जेफ हार्डी है उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि वो AEW में जाने वाले हैं, यानी कि वो AEW में ही डेब्यू करने वाले हैं। ये कोई प्रेडिक्शन या रूमर वीडियो नहीं होने वाली है, ये एक कंफर्म वीडियो होने वाली है, क्योंकि जेफ हार्डी ने खुद ही कहा है कि वो AEW में जाने वाले हैं। तो क्या है पूरी बात जाने इस वीडियो में, तो वीडियो में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। मैं आपको बता दूं कि WWE ने 2 महीने पहले जेफ हार्डी को WWE से रिलीज कर दिया था। WWE ने उसके बाद फिर उनको WWE में रिटर्न आने का ऑप्शन भी दिया, और उसके साथ साथ हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट होने का भी उनको ऑप्शन दिया, लेकिन उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो अब वो AEW में आने वाले हैं। तो दरअसल होता है ये कि जेफ हार्डी है वो जेरेड माइस जो कि एक यूट्यूबर है, जेरेड माइस के यूट्यूब चैनल पर आते हैं, जहाँ पर उनसे वहाँ पर उनके फ्यूचर के बारे में पूछा जाता है कि वो आगे क्या करने वाले हैं, उनका फ्यूचर क्या होने वाला है रेसलिंग में। तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वो AEW में ही जाने वाले हैं, वो AEW में ही डेब्यू करने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि आई एम गोइंग टू AEW, इट्स सो एक्साइटिंग, आई एम सो नर्वस एंड एक्साइटेड, यानी कि उन्होंने कहा कि वो AEW में जाने वाले हैं, इसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है और इसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस भी है। ये आप मान के चलो कि जो जेफ हार्डी है वो रेवोल्यूशन पेपर व्यू में अपना डेब्यू कर सकते हैं, इसके 99.9% चांसेस है कि जो जेफ हार्डी है वो AEW के रेवोल्यूशन पेपर व्यू में डेब्यू कर सकते हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। यानी कि जो जेफ हार्डी है वो हमें AEW में नज़र आने वाले हैं, ना कि अब हमें वो WWE में नज़र आने वाले हैं। रेसलमेनिया 33 में उन्होंने अपना रिटर्न किया, रेसलमेनिया 38 तक वो WWE में नहीं रहे, यानी कि वो 4 साल तक WWE में रहे, उसके बाद वो AEW में जाने वाले हैं। तो बस आप इसके बारे में क्या सोचते हैं और आपको ये न्यूज़ जानकर कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताना। तो वैसे वीडियो अभी तक थी, आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो वैसे मिलते किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।